हम दो सुना सब के लिए जिसकी रहमत नेमत और माफ़त का फिजान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम, बहुत शुक्र हर नेमत के लिए, हर आसाइश के लिए। चलिए मैं आपको एक नई खूबसूरत सुबह के साथ खुश आमदेद कहती हूँ और अपनी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर लेते हैं। वही सप्लीमेंट्स और एक ग्लास पानी में नींबू। और आज मेरी शुगर की क्या सूरत हाल है देख लेते हैं। सेंसर मैंने कल एक्टिव कर लिया था तो 143 शुगर है मेरी। कल मेरी 193 थी तो आज मेरी माशाल्लाह अच्छी है, इसलिए मुझे ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आज नाश्ते का मेरा प्लान है, मेरा दिल कर रहा था आज मिल्क शेक पीने को, तो मैंने 2 अदद खजूरें ली हैं, 5 बादाम लिए हैं, इनको मैंने रात को भिगो के रख लिया था, छिलके उतार दिए हैं, और थोड़े से सूरजमुखी के बीज हैं और साथ ये दूसरे बीज हैं, ठीक है, साथ थोड़ा सा योगर्ट है और दूध है, 1 ग्लास या 1 कप दूध, और इसमें ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरा शेक बन के तैयार हो चुका है, इसको डाल देते हैं इसमें। ये मेरा प्रोटीन शेक जो मैंने खुद बनाया है हेल्दी। ये देखें 2 खजूरें मैं खा सकती हूँ, हर बंदा खा सकता है जो 20 ग्राम की होगी। इसके लिए हमें 2 इंसुलिन चाहिए होगा। और नट्स जो हैं वो बादाम और अखरोट हम ऐसे ही खा सकते हैं, काजू और किशमिश के अलावा, ठीक है। इसको मापने के लिए इसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ 4 इंसुलिन लगाऊंगी इंशाल्लाह। सो यहाँ पे देखें जी, आज 1 जुलाई है और जुलाई के मौसम में भी यहाँ पे सर्दी है, तो ये सफ़ा को मैं स्कूल जो छोड़ने जा रही हूँ। पीछे बैठो बेटा। तो शदीद बारिश तेज हो चुकी है और सफ़ा आज जैकेट पहन के स्कूल जा रही है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए यहाँ का मौसम और बारिश और सफ़ा का स्कूल। और यहाँ पे लग चुका है गाड़ियों का रश, पता नहीं शायद कूड़े वाली गाड़ी खड़ी है या क्या है, तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी हाँ, ये कूड़े वाली गाड़ी ही थी जिसने ब्लॉक किया हुआ था। तो अक्सर मालिन सफ़ा को ये गाड़ी की वजह से ही देर हो जाती है, हर वक्त ही ये गाड़ी आती रहती है, देर हो जाती है। और 5 से 10 मिनट लग जाते हैं हमें सड़क पे इंतजार करते करते, और पूरे दिन स्पेस हो जाते। जी तो आज भी ऐसा ही मुझे लगता होगा कि आज गाड़ी फिर आ गई रास्ते में और आज हमें फिर हो जाएगी देर। सो कोई बात नहीं, चलते हैं। सफ़ा का स्कूल 8:30 बजे था, मालिन का स्कूल 8:45 पे था। तो सफ़ा को स्कूल छोड़ने के बाद भी हमारे पास आज 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा था, तो हमने सोचा कि चलो तुर्किश दुकान से पहले शॉपिंग कर लेते हैं। मालिन आप ही को भी स्कूल छोड़ने जाना है, लेकिन पहले हम लोग आए हैं, 15 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो हम लोग गोश्त लेने आए हैं बिलाल भाई की दुकान पर। अस्सलाम वालेकुम जी। सो आप गोश्त ले लेते हैं। हाय सलाम अलैकुम।
यहाँ पे गोश्त की जी हो रही है कटिंग, और 15 मिनट में यही प्लान था कि आज इंशाल्लाह सारी शॉपिंग का टाइम, जो मतलब गोश्त वगैरह लेना है वो 15 मिनट में ले के तो स्कूल मालिन को छोड़ने जाएंगे, और अब चलते हैं मालिन के स्कूल। इनका स्कूल आज का है, अब जा रही है मालिन स्कूल। अल्लाह हाफिज मालिन। हैव अ नाइस डे, आई लव यू बेटा, फील स्पास, अल्लाह हाफिज। उसके बाद दोपहर का खाना बनाया, बच्चों को कराटों पे भेजा, बच्चों की कराटों की क्लास थी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जारियान, शेजी भाई, मैं सब जा रहे हैं, अभी हम लेने जा रहे हैं मालिन सफ़ा को उनके कराटों वाले स्कूल से। तो उसके बाद आज हमारी दावत है, बल्कि हमारी दावत नहीं है, शेजी और उम्मे लैला मेरी बहन जो है उनकी दावत है मेरी फ्रेंड की तरफ। तो आज वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आज हमने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, और बच्चों ने क्या क्या एंजॉयमेंट किया। तो ये देखें जी, हम पहुँच चुके हैं मालिन सफ़ा के स्कूल। मालिन सफ़ा को इजाज़ ने रिसीव कर लिया, अब हम जा रहे हैं। पहले तो हम जाएंगे मैंगो ख़रीदने। तो मैंगो ख़रीदने यहाँ पे गालुस वाटे में एक शॉप है जहाँ से हमेशा फ्रेश और अच्छे मैंगो मिलते हैं। तो बस ये मैंगो ख़रीदे पहले, क्योंकि इजाज़ इस दफ़ा ऑफिस जा रहे थे अपने तकरीबन 1.5 साल के बाद, तो इन्होंने अपने कोलीग्स को मैंगो देने थे, तो साथ जो है वो मैं अपनी फ्रेंड की तरफ भी लेके जाने थे और घर के लिए भी कुछ मैंगो ख़रीदने थे। तो पहले मैंगो के लिए गए शॉप पे, तो मैंगो की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि कोई भी गाड़ी में रह नहीं पाया और कहा कि चलें जी गाड़ी में ही एक एक सारे मैंगो खाते हैं। तो ये सफ़र बड़ा अच्छा माशाल्लाह गुजरा, बड़ा इंजॉय करते हुए मैंगो खाते हुए। तो जारियान को भी मैंगो बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े मज़े के लग रहे थे। आप ये देख सकते हैं कि मालिन सफ़ा कराटों के कपड़ों में ही हैं, और सफ़ा ने मैंगो खाते हुए अपने कपड़ों पे सारा मैंगो का रस जो है वो फेंक लिया था, तो इसके कपड़े सारे ही गंदे हो चुके थे। तो अब इसको शर्म आ रही थी कि मामा मुझे दूसरे कपड़े दें। मैंने कहा अब जाके ही आपको पहनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, पहले मुझे कपड़े दें। तो वहाँ पर पहुँच चुके थे हम, तो यहाँ पे वो अपने एक्वेरियम की सफाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो वो भी वीडियो बना लेते हैं। तकरीबन 35 से 38 फ़िश हैं इनके पास, हर कलर की, और बहुत ही प्यारी और खूबसूरत और जो हैं कलरफुल सी फिशें हैं। तो ये जारियान और इसके दादा अबू की जो हैं मस्तियां चल रही हैं, और सफ़ा भी कुछ सुना रही है। तो सुने ज़रा सफ़ा क्या सुना रही है। अब पानी जा रहा है। अब यहाँ पे एक्वेरियम में पानी दोबारा डाला जा रहा है, फ्रेश पानी। तो ये वीक में तकरीबन एक दफ़ा सफाई होती है। और ये देखें, मैं फिशें पकड़ रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था, छोटी छोटी फिशें, सुभान अल्लाह, ये देख सकते हैं आप। तो फिर सफ़ा को भी शौक आ गया कि मामा जो है वो मैं भी फिशें पकड़ूंगी और देखूंगी। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने आज लच्छेदार पराठे बनाए थे, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत लच्छेदार बने थे। तो ये देखिए इसके बनाने का तरीका, बहुत ही मज़ेदार और इजीली बना रही हैं, क्योंकि मेरे मियाँ साहब को जो है वो लच्छेदार पराठे बड़े पसंद थे। तो इन्होंने वो बनाया हुआ था कोरमा, और कोरमे के साथ पराठों का तो कभी कभार खाने का बड़ा मज़ा आता है। मैंने तो खैर नहीं खाया था, मेरी शुगर मैंगो खाया था मैंने, तो वो काफ़ी हाई थी, 205
तो मैं इसी वेट में थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरी शुगर नॉर्मल नहीं आ जाती। तो यहाँ पे देखे जी, ये पराठे बन के हो चुके हैं तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी पराठे थे। जज़ाकुमुल्लाह खैर माई डियर्स फ्रेंड। यहाँ दो किस्म के सालन थे और बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव था। यहाँ पे खाना गरम हो रहा है और अब सर्व कर रहे हैं। तो खाना खाया हम लोगों ने, खाना खाने के बाद इजाज़ चले गए अपने ऑफिस वीस मार और हम लोग आ गए अपने घर। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।